गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। हम क्या कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। तो आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 लिख दिया 6 को मैंने, फिर 3 स्क्वायर लिख दिया, फिर मैंने क्या कर दिया 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख दिया, फिर 9 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर, फिर 3 क्यूब लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 9 4 व्हिच इज 2 स्क्वायर इनटू 3 स्क्वायर। फिर हम क्या कर सकते हैं, 54 को लिखना है तो 54 इज 27 टू जा तो 2 इनटू 3 स्क्वायर 3 क्यूब और लास्ट आ जाएगा 2 स्क्वायर इनटू 3 क्यूब। अब मैं क्या करता हूं, 3 जिसके पास एक एक बार आ रहा है वो सारे टर्म्स पहले उठा लेता हूं। इसका सम कैसे निकाल रहे हैं मैं वो बता रहा हूं। तो एक बार ये ले लिया हमने, ठीक है, 2 इनटू 3 फिर 2 स्क्वायर इनटू 3 फिर 2 क्यूब इनटू 3 भी होगा, देखो कहीं पे सॉरी 2 स्क्वायर ही मैक्सिमम है। और एक ऐसा बोल सकता हूं कि ये लिखा हुआ है 2 की पावर 0 इनटू 3, तो मैं क्या करता हूं 3 कॉमन ले लेता हूं, बचा क्या 2^0 + 2^1 + 2 स्क्वायर। नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूं, अलग कलर वाले से इसको उठा लेता हूं जिसमें 3 स्क्वायर वाले टर्म्स है, तो 3 स्क्वायर 2 इनटू 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर इनटू 3 स्क्वायर, सही है। और तो अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सो आई कैन रीराइट दिस एज प्लस 3 स्क्वायर टेकन आउट कॉमन। पहले में से अगर 3 स्क्वायर कॉमन निकाला इसमें से तो क्या बचेगा 2^0, फिर इसमें से 2 तो 2 स्क्वायर। अच्छा फिर मैं क्या करता हूं, 3 स्क्वायर वाले निकाल लिया, अब जो बाकी टर्म्स बच रहे हैं एक काम करता हूं 3 क्यूब वाले भी एक बार निकाल लिया जाए। तो 3 क्यूब वाले टर्म्स में से क्या करता हूं, इसमें से 3 क्यूब निकाला तो 2 स्क्वायर बचा, इसमें से 3 क्यूब निकाला तो 2 बचा, इसमें से 3 क्यूब निकाला तो 1 बचा, तो 2^0 2^1 + 2 स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया ऐसे टर्म्स बाहर निकाले जिसमें 3 है ही नहीं। अब क्या है इसमें देखो, ये और ये, इसमें क्या कर सकते हैं 3^0 बाहर निकाल सकते हैं, बचा क्या 1 + 2 + 2 स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हैं 2^0 2^1 प्लस 2 स्क्वायर। अब इसको मुझे अगर फैक्टराइज करना है तो कैसे फैक्टराइज करूंगा, 2^0 प्लस 2^1 प्लस 2^2 सब में से कॉमन निकाल लिया, इधर क्या बचा 3^0 प्लस 3^1 प्लस 3^2 प्लस 3^3, ये क्या था सबका सम था। अब अगर आपको लॉजिक मेरा समझ आया है तो किसी भी नंबर का अगर मुझे सम निकालना होता है ना, किसी भी नंबर का सम निकालना होता है तो मान लेते हैं नंबर अभी दिया हुआ है 2^5 3^2 5^4 एंड 7^2 लेट्स, ठीक है। तो ये नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे सम ऑफ द फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर होंगे उन सबका सम क्या होगा, 2^5 लिखा है, मतलब जो जो एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है उस इंडिविजुअल का सम करना है। तो 2^0 हो सकता है, 2^1 हो सकता है, 2^2 हो सकता है, 2^3 हो सकता है, 2^4 हो सकता है, 2^5 हो सकता है लास्ट, ठीक है। फिर ब्रैकेट कर देंगे, अब 3 के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 3^0 हो सकता है, 3^1 हो सकता है, 3 स्क्वायर हो सकता है, फिर 5 की क्या पॉसिबिलिटीज है, 5^0 हो सकता है, 5^1 हो सकता है, 5^2 5^3 और 5^4 हो सकता है, फिर 7 की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 7^0 हो सकता है, 7^1 हो सकता है, 7^2 हो सकता है। सो ये सब का जब मल्टीप्लिकेशन मैं करूंगा तो मुझे रिक्वायर्ड सम मिल जाएगा, इसको नोट डाउन कर लें आप, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें आप। लास्ट क्वेश्चन में देखोगे तो व्हाट विल बी द सम ऑफ द फैक्टर्स, आप एक लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कर सकते हो कि इसका सम आप निकाल लो, ठीक है, इन नंबर्स का जो सम है इसके फैक्टर्स का, ये वाले नंबर्स का स्पेसिफिकली सम निकाल लो और इसके सम से चेक कर लेना दोनों का सम सेम आएगा। अब ये वाला सम कितना आ रहा है मैं ये कर देता हूँ आपके लिए 2^0 1 एंड 4, सो 1 प्लस 2 प्लस 4 इज 7 इन मल्टीप्लीकेशन विद 1, 3, 4, 4, 9, 13, 13 and 27, 40, तो 280 आपका सम आ जाएगा इन सबके फैक्टर्स का, ठीक है ना, वेरी गुड बेटा, ठीक है।
तो ये छोटा नंबर था तो आप सबको निकाल के सम भी कर सकते हो, लेकिन जब एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, जैसे कि ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, 2 to 5 into 3 square 5 4 7 square, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने लिखा है, इसका सम तो और भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन, देन विल मूव ऑन। इसके पहले वाली स्लाइड एक, हाँ लेट्स डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट एज वेल। आपको बहुत बार लिखा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सारे डिवाइजर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, तो सारे डिवाइजर्स का प्रोडक्ट क्या होगा हम वो भी देख लेते हैं, एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे अगर मैं इन्हीं इसी नंबर का एग्जांपल लेके इसको ही पीछे ले जाऊं 108, ठीक है, आई एम टेकिंग 108 ओनली एज अ नंबर एंड एक्सप्लेनिंग यू द सेम कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज, अगर आप ऑब्जर्व करो तो 1 और 108 का मल्टीप्लिकेशन एक बार 108 देगा, फिर 2 और उससे छोटा नंबर है जस्ट लेफ्ट में 54, वो 108 देगा, देखना, ठीक है, 2 into 54 भी 108 देगा, 1 into 108 भी 108 देगा, 36 देगा, 3 भी 36 के साथ 108 ही देगा, समझ आ रहा है? नेक्स्ट 4 भी 27 के साथ 108 दे रहा है, फिर 6 18 के साथ 108 और 9 12 के साथ 108, ठीक है, तो 6 18 के साथ और 9 12 के साथ, समझ आया? तो ये 108 आपको मिल रहा है प्रोडक्ट में एज इट इज, अगर फर्स्ट और लास्ट नंबर्स हम एक साथ ले रहे हैं, तो टोटल अगर देखे जाए तो कितने फैक्टर्स थे मेरे पास, टोटल 12 फैक्टर्स थे, दो दो की कितनी पेयर बनेगी, 6 बनेगी, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स कितना बनेगा, 108 raised to 6, इज इट क्लियर? ये सबको क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ, मान लो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, अब एक परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 16 है, ठीक है, तो उसके फैक्टर्स अगर आप लिखोगे तो 2 raised to 4 होंगे, सो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने पॉसिबल है, 5 डिवाइजर है, तो इसके प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा, इसके प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स होगा, देखो क्या करते हैं इसको, 2 एक है, एक 1, एक 2, एक 4, एक 8 और एक 16 है, अब 1 और 16 16 बनाएगा, फिर 2 और 8 भी 16 बनाएगा, लेकिन एक 4 बच जाएगा, सो इफ यू सी मेरे पास क्या हो रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करें अच्छे से तो क्या हो रहा है आपके पास, आपको पता है ये लिखा हुआ है 16 की पावर 1 और आधा इधर पावर है, तो 16 की पावर 5/2 लिखा हुआ है, और अगर आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो जो एक्चुअली 108 लिखा हुआ था, तो ये लिखा हुआ था 108 की पावर 12/2, ठीक है, तो जितने भी फैक्टर होते हैं उनको डिवाइड बाय सिर्फ 2 करना है आपको, और नंबर की पावर में वो ले जाना है, इज इट क्लियर? यस बेटा आगम। सर ये अभी आपने जो समझा ना 16 वाला वो पावर 5/2 वो नहीं समझा, ये देखो क्या कर रहे हैं हम, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने लिखा है, वहां तक तो क्लियर है? यस सर, ठीक है, तो जब 16 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है तो इसको मैं ऐसे अंडरस्टैंड करता हूँ कि 1 और 16 तो 16 दे रहा है, फिर 2 और 8 भी 16 दे रहा है, ठीक है, अब मेरे पास बचा क्या मल्टीप्लिकेशन में, 4 बचा, ठीक है, मुझे तो क्या सबको मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है, ये सब क्या मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताना है कितना होता है, ठीक है, तो फिर बचा क्या एक मल्टीप्लिकेशन में 4, इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या है 16 into 16 into 4, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट 16 raised to 5/2, कैसे, 16 की 1 पावर इधर है, 1 पावर इधर है, और 1/4 मतलब 16 की आधी पावर है, तो टोटल नेट पावर जो 16 की है वो 5/2 है। yes, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसको बाय 2 करते हैं और नंबर के पावर में रेस कर देते हैं, ठीक है। चलें अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अभी सारे एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो चुके हैं, अब सारे आपके डाउट्स देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट फटाफट जो भी आपको डाउट्स हैं।